नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। वहीं अगर हम भाइयों की बात करें तो भाई भी बहनों को उस दिन रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद उनकी रक्षा करने का उन्हें संकल्प देते हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं यहां पे तरह तरह की राखियां मौजूद है। हालांकि आज भी कई लोग जो हैं वो राखी का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 12 अगस्त को भी राखी का त्यौहार मना रहे हैं। ऐसे में एक असमंजस की स्थिति जो है वो लोगों के मनों में है। कई पंडित अलग अलग तर्क भी दे रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार हैं। भैया, इस बार राखी को लेकर के लोग काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं। कई लोग 11 को भी मना रहे हैं, कई लोग 12 को भी मना रहे हैं। आपके पास कस्टमर जो आ रहे हैं उनमें किस तरीके का उत्साह नज़र आ रहा है और वो रक्षाबंधन को लेकर के किस तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं? रक्षाबंधन को लेकर के तो सभी कोई बहुत उत्साहित हैं, लेकिन जो असमंजस में जो है वो कल को लेकर ज़्यादा ये है, 12 को ज़्यादा है ना। आज में बहुत असमंजस में है लोग की, रात के 8 बजे के बाद या तो ऐसे वैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे हैं, बहुत पंडितों का कहना है। तो जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार एक तरीके से 2 दिन मनाया जा रहा है, तो क्या इससे आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, हम लोग का अभी ऐसा कोई मार्केट भी ख़राब चल रहा है, अभी पानी के कारण लोग खुद ही कन्फ्यूज हैं, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, घर से निकल, बारिश कारण घर से भी नहीं निकल रहे हैं। तो वैसा तो बारिश तो है ही, लेकिन रक्षाबंधन को लेकर लोगों में एक तो असमंजस की स्थिति है, लेकिन बारिश की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। यहाँ पे कुछ राखियाँ हैं, उससे मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत राखियाँ हैं। भैया, इनकी कीमत क्या है, इन राखियों की कीमत क्या है? 160 रुपये की है ये, 160 रुपये। और इससे कम वाली? हाँ, बहुत सारी राखियाँ, 10-20 सभी पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो लिखा हुआ है। लेकिन हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो रक्षाबंधन का त्यौहार आखिर कब मना रहे हैं। कल मना रही हैं। आज भी बहुत लोग मना रहे हैं। हाँ, आज भी मना रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम ने जो है वो अपने हाथों में मेहंदी भी उन्होंने लगा लिया है। आंटी, आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार कब मना रही हैं? कल ही हम लोग, सासी बहू है। अच्छा, तो आप तो अभी उसका कुछ टाइमिंग भी है क्या कि इस मुहूर्त पे रक्षा? आज भी है टाइमिंग, रात में 9 बजे से। अच्छा, तो आप लोग आज रात में बांध रही हैं? मतलब 2-4 जगह बंधवाएंगे, बाकी कल ही बंधवाएंगे। कल मनाएंगे। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर कुछ मैसेज देना चाहिएगा? अच्छा है, एक्चुअली मेरे अपने भाई नहीं है, बट मैं अपनी जिया जी जो हैं उनको अपना भाई बना के मैं राखी उनको बांटती हूँ। तो अच्छा है, यही एक अच्छा मैसेज हो गया कि भाई की ज़रूरत मेरी जिया जी मेरा पूरा करते हैं। हम लोगों का मतलब चार बहन है, चारों बहनों में जिया जी सबके भाई का रोल अदा करते हैं। अच्छा मैसेज दिया। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके भाई नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी पुरुष को जिनमें आपको अपने भाई की झलक दिखती हो उन्हें आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। हम लोग कल मना रहे हैं। कल मना रही हैं। आज भी बहुत लोग मना रहे हैं। आज भी मना रहे हैं, पर हम लोग कल मना रहे हैं क्योंकि पंचांग के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो कल का जो टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे तक? हाँ, सुबह 5:30 बजे से 7:20 तक, उतना ही बजे का टाइमिंग से मना रहे हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? कल जो बस का समय हो गया, दूर से आए हैं भाई को राखी बांधने के लिए, अब मार्केटिंग करने अभी निकले हैं, बस कल ही राखी बनाएंगे। जो भद्रा लग रहा है उसकी वजह से काफी कम समय मिल पा रहा है, बहनों को तैयार होने का मौका नहीं मिल पाएगा। सुबह उठेंगे, नाश्ता पानी पर पहले सुबह उठेंगे, राखी बांधना स्टार्ट हो जाएगा। 3 बजे सुबह उठ जाएंगे, क्या दिक्कत है, तैयार हो जाएंगे। तैयार होना तो अपने हाथ में। बंधन आज मना रही है या कल मना रही है? कल कल मना रही है, आज नहीं मना रही। बहुत लोग आज भी मना रहे हैं। आप कल मना रही? आप कब मना रही हैं? कल। कल मना रही है। कल का कोई टाइमिंग है रक्षाबंधन बांधने का? हाँ, 8:00 से। सुबह 6 बजे से कितने बजे तक? 7 बजे तक। कई लोग बोल रहे हैं दिन भर भी बांध सकते हैं। नहीं, दिन भर भी बांध सकते हैं ना। क्या नाम है आपका? स्वीटी। और आपका? गीतांजलि। थैंक यू। कल मना रहे हैं आज? भैया, बहुत लोग आज भी मना रहे हैं। हो सकता है, बट हम लोग कल मना रहे हैं। कल कोई ऐसा विशेष टाइम भी है उसको लेकर? हाँ, सुबह का 6 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे तक। भैया, आप रक्षाबंधन कल ही मनाएंगे? अच्छा, जो कई लोग आज भी मना रहे हैं। हाँ, हो रहा है, जनता घर रक्षाबंधन मना रहे हैं। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार भाइयों के बिना अधूरा होता है। यहाँ इस वक्त कई भाई ऐसे हैं जो मौजूद हैं, आज हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस रक्षाबंधन वो अपनी बहनों को क्या उपहार देंगे, किस तरीके से वो उत्साहित है और रक्षाबंधन का त्यौहार आखिर कब मना रहे हैं। आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार कब मना रहे हैं?
बेसिकली तो मैं कल ही मनाऊंगा, लेकिन बहुत लोग आज भी मना रहे हैं तो मैं कल मना रहा हूं। और रक्षाबंधन का तो मतलब उपहार तो देना है बहनों को, लेकिन मेन तो रक्षाबंधन मतलब बहनों का रक्षा करना, बहनों की रक्षा करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के दौर में जो जैसा समाज है, लोग जिसे मतलब सेव करना, जैसा माहौल बना हुआ है, एक डर है, आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता है, तो लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बहनों को क्या, जितने भी महिलाएं सब पे ध्यान दें, मतलब कि कोई ऐसा घटना ना हो जिससे किसी को नुकसान हो। और कहा भी यही जाता है कि रक्षाबंधन के दिन जब बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो वो उनसे वचन लेती हैं कि वो उम्र भर उनकी रक्षा करें, और इससे अच्छा उपहार कुछ हो भी नहीं सकता। और भी भाई मौजूद हैं, बताइए इस बार का रक्षाबंधन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कब मना रहे हैं? ये रक्षाबंधन बहुत स्पेशल होता है, स्पेशली बहनों के लिए जी। तो और साल में एक बार ही आता है तो मोस्ट स्पेशल होता है। और मेरी बहनें तो बहुत हैं, मतलब यहाँ तक हाथ भर जाता है। बिल्कुल, तो आप एक्साइटेड हैं इस बार? एक्साइटेड हुई, शॉपिंग करने आया था कि क्या खरीदूँ उनके लिए, क्या बहुत खर्चा आने वाला है। चलिए, ये भी एक बड़ा मज़ेदार सा होता है मौका जब भाई समझ नहीं पाते कि बहनों को क्या गिफ्ट दिया जाए। बताइए इस बार के रक्षाबंधन को लेके कितने एक्साइटेड हैं? नहीं कुछ हो सकता। चलिए, ये भले कुछ ना कहें लेकिन इनके चेहरे की खुशी साफ तौर पे यही कह रही है कि रक्षाबंधन को लेकर भले ये कुछ कह ना पा रहे हों लेकिन इनका ना कुछ कहना भी इनकी बहन के लिए एक अटूट प्रेम है। तो आपने सुना सभी को, सभी लोगों की अपनी अपनी मान्यता है राखी त्यौहार को लेकर के। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो 11 अगस्त को राखी का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 12 अगस्त को राखी का त्यौहार मना रहे हैं। ऐसे दिन भी कोई भी हो, लेकिन भाई और बहन का जो प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन है उसकी एक अलग ही बात होती है। इस दिन बहनें काफ़ी उत्साहित होती हैं भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो इस रक्षाबंधन लाइव लगातार भी अपनी तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता है। तो मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।